दोस्तों, जेबर एयरपोर्ट तक नेशनल हाईवे बनाने का रास्ता साफ हो गया है। प्रतिक्रिया आगे बढ़ाते हुए लोक निर्माण विभाग ने बुलंदशहर जेबर मार्ग को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हस्तांतरित कर दिया है। नेशनल हाईवे के बाद सड़क किनारे बसे करीब 50 गांव के लोगों को सीधा फायदा होगा। जेबर में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने के लिए सरकार ने काम शुरू कर दिया है, जिसके चलते अब जिले के विकास को भी पंख लगने की उम्मीद बढ़ गई है। करीब 3 वर्ष पूर्व मेरठ बुलंदशहर नेशनल हाईवे 334 के शुभारंभ के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने हाईवे को बुलंदशहर से जेवर तक बढ़ाने की घोषणा की थी। हालांकि 3 वर्षों तक इस प्रोजेक्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अब इसकी प्रतिक्रिया आगे बढ़ाते हुए लोक निर्माण विभाग ने शासन के निर्देश पर बुलंदशहर जेवर मार्ग को NHAI को ट्रांसफर किया है। करीब 44 किलोमीटर लंबे मार्ग का निर्माण NHAI के मानकों के अनुसार किया जाएगा। इससे जेवर एयरपोर्ट से मेरठ, दिल्ली, बुलंदशहर, सिकंदराबाद, उत्तराखंड की ओर जाने का रास्ता सुगम होगा। नेशनल हाईवे का निर्माण वर्ष 2023 में एयरपोर्ट पूरा होने से पहले ही पूरा करना होगा। बुलंदशहर जेवर मार्ग की वर्तमान में चौड़ाई कुल 15 मीटर है, जबकि नेशनल हाईवे बनाने के लिए न्यूनतम 30 मीटर जमीन की आवश्यकता होती है। ऐसे में नेशनल हाईवे बनाने के लिए NHAI को जमीन अधिग्रहण की आवश्यकता होगी। इससे हाईवे किनारे बसे किसानों को बड़ी मात्रा में मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही नेतला, बंचावली, चोला, गंगेरुआ, ककोड़, झाजर, खवासपुर समेत अन्य गाँव में विकास की गति को पंख लगेंगे। एयरपोर्ट बनने के बाद नेशनल हाईवे का निर्माण जरूरी है। लोग इसके लिए मांग भी कर रहे हैं। नेशनल हाईवे बनने से एयरपोर्ट आने जाने वालों के लिए परेशानी नहीं होगी, इससे जिले का विकास भी होगा। एयरपोर्ट चालू होने के बाद गांव के रास्ते भी ठीक हो जाएंगे। इसके साथ साथ नए रोजगारों के अवसर बनेंगे। गाँव के लोगों को रोजगार की तलाश के लिए दिल्ली और नोएडा का रुख नहीं करना पड़ेगा। नेशनल हाईवे बनाए जाने से जेवर से उत्तराखंड जाने का रास्ता आसान होगा। इसके अलावा मेरठ को माल भेजने के लिए भी यात्रियों को आने जाने में सहूलियत होगी। एयरपोर्ट चालू होने से बड़ी संख्या में पर्यटक यहां से गुजरेंगे। इससे क्षेत्र का भी कायाकल्प होगा, जहां ट्रांसपोर्ट, दुकानें आदि खुलने से लोगों को भी फायदा मिलेगा। एयरपोर्ट के लिए नेशनल हाईवे जरूरी है। सरकार के निर्देश पर बुलंदशहर जेबर रोड को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हस्तांतरित किया गया है। आगे की प्रतिक्रिया NHAI करेगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप अपना प्यार और सहयोग यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद।